गाइस ये बजाज एक्सीडी है, 125 सीसी का इंजन है और इस बाइक में समस्या है झटके की। जब इसको चलाते हैं तो फक फक ऐसे करता है, झटके लेता है बाइक। तो इसके लिए मैंने पहले प्लग खोला और प्लग खोल के जब मैंने देखा तो देखा कि प्लग का चाइना का लगा हुआ है। तो मेरे समझ में आया कि हो सकता है कि प्लग का समस्या हो, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए अंदर में जो चिमनी होता है वो जल गया है। तो मुझे लगा प्लग चेंज करने से ठीक हो जाएगा, तो मैंने इसके अंदर NGK का मैंने प्लग डाला है ओरिजिनल। देखिए यह NGK का प्लग ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल प्लग लगाने के बाद भी यह समस्या दूर नहीं हुआ। तो अब मेरे समझ में आ रहा है कि इसका कार्बोरेटर खोल के देखूं कहीं इसके अंदर पानी वानी चला गया हो, ये गंदा हो, ज़्यादा दिन से खुला नहीं है। तो हम इसे खोलेंगे। इसको खोलने के लिए हमें ये 8 नंबर का बोल्ट यहाँ से और या फिर यहाँ से, आप दोनों जगह से खोल सकते हैं। और इधर एक पेचकस होगा, यहाँ पे स्क्रू, इसे खोल सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक चौक है, इसका एक वायर होगा, वो आप खोल के इसको बाहर निकाल के इसे फिर क्लीन करें। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाकई में गंदा है या नहीं। मैं इसे पहले खोल लेता हूँ। दोस्तों देखिए बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा है, ये बहुत काला हो गया, ब्लैक हो गया है। और इसके हिसाब से कहीं इसका फिल्टर भी तो जाम नहीं है, वो भी हमें खोल कर चेक करना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा है, इसे हम खोल के पहले साफ़ करेंगे। इसके साथ में जो ये वायर दिया हुआ है ये RPM का है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत मुझे पानी का असर दिखाई दे रहा है और अंदर में कचरा भी था। तो इसे आप ऐसा करें, ये दोनों जो जेड होता है इसे इस दोनों जेड को खोल के आप इसमें एक वायर अंदर में डाल के इसे साफ कर अच्छे से, और बाहर से भी कार्बोरेटर पूरा अच्छे से साफ़ करना चाहिए। इसके साथ में ये भी जो बाहर से जो स्क्रू नट होता है इसे भी खोलना चाहिए और खोल के पूरा फिनिश करना चाहिए। उसके बाद हम हर चीज़ का इसका पूरा सफाई करके फिर इसको हम सेट करते हैं। उसके बाद बताएंगे कार्बोरेटर को इसमें लगा के, फिर आपको बताएंगे ये काम मेरा सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, या कहीं और गड़बड़ी है वो भी आपको बताएंगे। इसमें मैंने और भी क्या क्या काम किया मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो मैंने कार्बोरेटर साफ़ किया और इसका मैंने प्लग दोनों चेंज किया, दोनों चाइना प्लग था वो ओरिजिनल डाला मैंने NGK का। और एयर फिल्टर भी मैंने चेंज किया, एयर फिल्टर आपके सामने है। और इसका एक पाइप मैं चेंज किया और इसके अंदर भी थोड़ा कचरा था, इसे टंकी को भी मैंने सारे पेट्रोल निकाल के फिर दोबारा इसे साफ़ करके डाला। मैंने इसे वॉश नहीं किया क्योंकि पेट्रोल निकाल के फिर डाल दिया। उसके बाद मैंने उसका अच्छे से ट्यूनिंग किया और ये बाइक अभी कंप्लीट हो चुकी है, पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है। तो इस तरीके से आप झटके की समस्या को दूर कर सकते हैं। इससे भी इससे और भी जो झटके की समस्या होती है और भी चीज़ों से हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि इसी से होता है। जैसे एक कंडेंसर होता है उससे, वो कंडेंसर ख़राब होने से भी झटके की समस्या होगी। तो हमारा जो ये वो सब करंट में कोई भी फॉल्ट नहीं था, जो बाहर से फॉल्ट था मैंने वो सारा कंप्लीट कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।